एक ऐसा अभिनेता जिन्हें बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, उनको उनकी माँ अक्सर डरा देता था कि देख बेटा, तू तो इतना सुंदर भी नहीं है, तू कैसे हीरो बनेगा। जी अब बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का। आज इस वीडियो में जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में संपूर्ण कहानी सिर्फ इस वीडियो में ही। धर्म जी का जन्म कब हुआ, धर्म जी कब शादी किए, या यूं कह लीजिए धर्म जी के बारे में, धर्म जी की जिंदगी से जुड़ी हर कहानी आज इस वीडियो में देख जानेंगे। और ये वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। धर्म जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा पंजाब भारत में हुआ था। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह देवल था और वो लुधियाना के गांव लालटेन के एक स्कूल में हेडमास्टर थे और उसी स्कूल में धर्म जी पढ़ा भी करते थे। जब धर्म जी पढ़ के आते थे तो अक्सर अपने माँ को शिकायत किया करते थे, माँ देख या तो तू मेरा पढ़ाई बंद करवा दे या फिर स्कूल बंद करवा दे, क्योंकि उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में धर्म जी के पिता हेडमास्टर थे। और वैसे में धर्म जी के पिता का ध्यान सबसे ज्यादा धर्म जी पर ही रहा करता था। वैसे धर्म जी ने अपने रियल लाइफ में 2 शादियां किया। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, जिनके 4 बच्चे हैं, सनी देवल, भवी देवल, और दोनों बेटी का नाम अजीता देवल, विजेता देवल। सनी देवल, भवी देवल अपने पिता की तरह ही एक अच्छे अभिनेता है, जबकि अजीता देवल और विजेता देवल अपनी माँ प्रकाश कौर की तरह ही फिल्मी दुनिया से दूर रहती है। वहीं उनकी दूसरी पत्नी की बात करें तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम कौन नहीं जानता, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी धर्म जी के साथ 1980 में शादी रचा लिए थे। हेमा मालिनी को भी 2 बेटी है और उनकी दोनों बेटी की शादी हो चुका है। उनकी बड़ी बेटी का नाम ईशा देवल और छोटी बेटी का नाम एहना देवल है। वहीं धर्म जी की फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और चल पड़े एक ऐसे सफर में जहाँ उन्होंने कामयाबी, शोहरत और पैसा सब मिला। धर्म जी ने अपने बॉलीवुड की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म, ये फिल्म 1960 में आया था, दिल भी तेरा हम भी तेरे से किए थे। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जैसे फिल्म फूल और पत्थर, ये फिल्म 1966 में आया था। इस फिल्म में धर्म जी अकेले हीरो के तौर पे काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हीरो के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 1974 के बाद दर्शक ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखा। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया, जैसे नूतन के साथ सूरत और सीरत, ये फिल्म 1962 में आया था, और बंदनी 1963 में आया था। इस फिल्म में भी धर्म जी नजर आए। वहीं 1942 में फिल्म अनफर्ड और 1964 में आई फिल्म पूजा के फूल वह माला सिन्हा के साथ नजर आए थे। 1962 की फिल्म शादी और 1964 में आई फिल्म मिलन के बिला में वह सायरा बानो के साथ नजर आए थे। हिंदी फिल्म आंखें में जब उन्हें दर्शक ने एक शेर से लड़ते देखा तो सभी को दांते तले उंगली दब गया और उन्हें नाम मिला शेरों का शेर, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र। यही नहीं, एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक का सफर धर्म जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारा। उन्होंने अपनी शुरुआती समय में लगभग सभी बेहतरीन अभिनेत्रियों जैसे नूतन, बाला की खूबसूरत मीना कुमारी, शायरा बन्नू, ऐसे कई अभिनेत्री के साथ अभिनय किया, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान सबसे ज़्यादा फिल्में अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ, या यूँ कह लीजिए बॉलीवुड ड्रीम गर्ल के साथ ही। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवान, दोस्त चरस माँ चाचा भतीजा और शोले प्रमुख है, ऐसे कई सारे फिल्म हैं। वहीं बॉलीवुड के ही में या यूँ कह लीजिए धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी की बात करें, या यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है तो सबसे ज़्यादा सत्यक्याम और फिल्म शोले में अभिनय करने के लिए याद किया जाता है। 1975 में आई फिल्म शोले धर्म जी की करियर की सबसे बड़ी फिल्म हिट साबित हुई थी। हिंदी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में अपना नाम सुनिश्चित करा चुकी रमेश सिप्पी साहेब इस फिल्म को निर्देशित किए थे। शोले ने धर्मेंद्र को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलवाया। उनकी 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे पहली फिल्म रही। अनुपमा, सत्यकाम, बंदनी उनकी यादगार फिल्में रही। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चित भूमिका 1975 में आई फिल्म शोले में वीरू की रही। इस फिल्म के बाद धर्म
जी की गिनती विश्व के 25 बेजोड़ अभिनेताओं में होने लगा। अपने करियर में धर्मेंद्र ने हर किश का रोल निभाया। रोल चाहे फिल्म सत्यकाम के सीधे साधे ईमानदार हीरो का हो, या फिर फिल्म शोले के एक्शन हीरो का हो, या फिर फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का, सभी का सफलतापूर्वक निभा कर धर्म जी ने दिखाया धर्म सिंह देवल अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार है। और वहीं धर्म जी की अवार्ड या यूं कह लीजिए पुरस्कार की बात करें तो 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्म जी को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म नौकर बीवी का और आई मिलन की भिला जैसे फिल्मों के लिए सभी भी फिल्म फेयर पुरस्कार नामित किया गया। 1991 में उन्हें फिल्म घायल के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में फिल्म फेयर लाइम लाइट अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं धर्म जी के कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो जैसे सत्याकाम, ये फिल्म 1969 में आया। 1972 में आया था दो चोर। 1971 में आया था नया जमाना। वहीं 1973 में आया था जुगनू। वहीं अली बाबा और 40 चोर, यादों की बारात, ये फिल्म 1973 में आया। 1971 में मेरा गांव मेरा देश। वहीं 1966 में आए दिन बहार की, ये फिल्म धर्म जी की सुपरहिट फिल्मों में सुपरहिट फिल्मों माना जाता है। वहीं धर्म जी के कुल फिल्मों की बात करें तो लमसम धर्म जी 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और धर्म जी ही वो अभिनेता है जो बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्म दिया है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा और धर्म जी के बारे में जानकारी कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह आपको ये अभिनेता अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए।